अच्छे पढ़ लिख गए तो ये प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेरणा बन जाए, अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कार्य करना हो। विद्वान बनता चले जाता है, अच्छे लोगों में उसकी बैठक होने लगती है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, बड़े शहर में रहने लगता है। तो दो चीजें उसके घर में उसकी स्त्री के पास चली तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए गुरु जी कौड़िया में बैठकर आगे वाली बात बोली, लगे लगे तो उसको विशेष माने पन्नी जेल टेंशन लेकर कथा नहीं। बहुत पढ़ लिए, बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी हो गई, शहर में मकान हो गया, शहर में फ्लैट हो गया, शहर में जाकर तुम रहने लगे, तुम्हारी एजुकेशन के हिसाब से तुम्हारे मित्र हो गए, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी सोसाइटी हो गई, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए। पर उसके घर की स्त्री के पास से दो चीजें चली, एक मांग का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली गई। अपने आप को अप टू डेट समझने लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं।